अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वर्ल्ड रश। आज की वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे बर्ड से जो कि दिन में तो एक्टिव होता है, बहुत तेज होता है, लेकिन रात में वो डबल एक्टिव होता है। ये वो बर्ड है जो कि टहनियों के ऊपर, शाखों के ऊपर नहीं बैठ सकता। बहुत सी जगहों पे ये समझा जाता है कि जिस दिन ये बर्ड शाखों के ऊपर, टहनियों के ऊपर बैठ गया तो उस दिन दुनिया का आखिरी दिन होगा। और ये भी समझा जाता है कि ये बर्ड जो है अपनी टांगें आसमान की तरफ उठा के सोता है ताकि आसमान जो है नीचे ना गिर पड़े। तो क्या सच है क्या झूठ है, लगाते हैं आज की वीडियो में पता। फाइनली हमने इस बर्ड को पानी के अंदर ट्रैप लगा के पकड़ लिया है। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है। बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा वाइल्ड। तो पानी के अंदर और पानी के आसपास बहुत ज्यादा ट्रैप आने के बाद फाइनली वो हमारे ट्रैप में फंस चुकी है। वो देखें वो कितने आराम से पानी में बैठी हुई है। तो इस पहले के बहुत ज्यादा उडन छू होने की कोशिश कर रही है और अपने पर जो है पानी के साथ गीले कर ले। मैं जा रहा हूँ उसको लेने के लिए। तो ये देखें कितने बेहतरीन तरीके से मेरे ट्रैप में फंसी हुई है। मैं आपको बताऊं कि इसको पकड़ने के लिए हमने पानी के साथ साथ बहुत ज़्यादा ट्रैप लगाए थे। इस ट्रैप से बच गई है लेकिन इस ट्रैप से नहीं बची है। तो एक अच्छी सी जगह पे बैठ के मैं इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो मिलिए हमारे आज के कंटेंट, आज के सब्जेक्ट से जिसका साइंटिफिक नेम है वेनलस इंडिकस। इसको इंग्लिश में रेड वेटल लैपविंग कहते हैं। इसको हमारी लोकल जुबान में टटेरी या टटोली भी कहते हैं। इसको डिड ही डू इट भी कहा जाता है क्योंकि ये जब ये शोर मचाती है तो ये डिड ही डू इट उसी तरह का जो है शोर मचाती है, इस तरह की आवाज़ निकालती है। तो हमारी रेड वेटल लैपविंग कैरेट रेडी फैमिली से बिलोंग करती है। दुनिया में इनकी 26 के करीब इकसाम पाई जाती हैं। रेड वेटल लैपविंग की 4 सब स्पीशीज हैं। आप इसको पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देख सकते हैं। इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, चाइना में आप इसको देख सकते हैं। तो चोंच से लेकर टेल की एंड तक इसकी लंबाई जो है 12 इंच के करीब हो सकती है। विंग स्पैन इसका देखें, ये 30 से 32 इंच के करीब इसका विंग स्पैन जो है वो हो सकता है। इसका कलर पैटर्न देखें, टेक्सचर देखें, कितनी खूबसूरत है जब ये फ्लाई करती है। तो इसकी टांगों की लंबाई जो है 6 से 7 इंच के करीब हो सकती है। ऊपर से ये ब्राउन है, जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये लाइट ग्रीन और पर्पल कलर का जो है शेड देती है जो कि नज़र आने में बहुत खूबसूरत लगता है। खुले मैदानों में, खेतों में, पानी के आसपास वाली जगहों पे आप इसको ग्रुप की शक्ल में देख सकते हैं। गंदम की कटाई के बाद इसका अंडे देने का सीज़न, ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो जाता है। मार्च से लेकर अगस्त तक इनका ब्रीडिंग सीज़न होता है। मेल और फीमेल में कोई खास फर्क नहीं होता। मेल का विंग स्पैन और साइज़ जो है फीमेल की निस्बत बड़ा होता है। फीमेल पानी के किनारे वाली जगहों पर, खेतों में या ऊंची ढेरी के ऊपर सादा सा घोंसला बना के 2 से 3 अंडे देती है। अंडे कैमोफ्लेज होते हैं, आपको आसानी से नज़र नहीं आते। तो उन अंडों से 28 से 30 दिनों के बाद बच्चे निकलते हैं। मैं आपको बताऊं कि अंडों से बच्चे निकलने की परसेंटेज जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ 20% होती है, क्योंकि या तो अंडे पैरों के नीचे आके टूट जाते हैं या उन अंडों को नेवले खा लेते हैं, चील, कव्वे, कुत्ते जो है वो उठा के ले जाते हैं और खा लेते हैं। अगर गलती से भी आप इनके घोंसले के आसपास आ गए हैं तो ये इतना शोर मचाएंगी जब तक आप इसके घोंसले से दूर नहीं हो जाते, ये आपकी जान नहीं छोड़ती। 28 से 30 दिन के बाद जब बच्चे निकलते हैं तो वो भी बहुत चालाक होते हैं। जब आप इसके आसपास पहुंचते हैं, जब कोई प्रेडेटर इनके आसपास, बच्चों के आसपास पहुंचता है तो वो बच्चे ज़मीन के साथ चिपक जाते हैं, आसानी से नज़र नहीं आते। 1 महीने तक बच्चों की देखभाल की जाती है। 40 से 50 दिन के बाद बच्चे अपनी आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार होते हैं। तो हमारी रेड वेटल लैपविंग जो है इंसेक्टिवर्स है, छोटे कीड़े मकोड़ों को, लार्वास को, टिड्डों को, चींटियों को और पानी के अंदर मौजूद जो है टेडपूल्स को, छोटी मछलियों को खाना पसंद करती हैं। कभी कभार ये दाने वगैरह भी खा लेती हैं। फॉक्सेस, जैकल्स और मोंगोस, स्नेक इनके नेचुरल प्रेडेटर्स हैं, इनका शिकार करते हैं। इंसान भी फैल्कनरी में इनका शिकार करते हैं, मतलब के ओकाब के जरिए, शिकरों के जरिए इनका शिकार करते हैं। अगर इनके लाइफ टाइम, लाइफ स्पैन की बात करें तो 8 से 10 साल तक ये ज़िंदा रह सकती हैं।
तो अब आखिरी में मैं आपको बताऊं कि ये दरख्तों के ऊपर क्यों नहीं बैठ सकती। अगर आप इसकी टांगों को, उसके पंजों को देखें, बैलेंस नहीं कर सकती ये शाखों के ऊपर बैठ के। तो जब आप इसको सोते हुए देखेंगे, ये हमेशा एक टांग उठा के सोती है, जबकि लोग समझते हैं कि ये ज़मीन के ऊपर इस तरह से टांगें उठा के सोती है। तो वो सारी की सारी मनगढ़ंत बातें हैं, अफवाहें हैं। आप इसके बारे में क्या जानते हैं? आपके इलाके में इसको किस नाम से जाना जाता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और जगह पे किसी और एनिमल, रेप्टाइल या बर्ड के साथ। बने रहेगा हमारे साथ और देखते रहेगा वाइल्ड रश। तो रिलीज करने से पहले एक पप्पी तो बनती है। बाय बाय।